गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हो एंड आपके यूट्यूब चैनल के लिए आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो एंड अगर आपको एप्लीकेशन बनाना नहीं आता है, आई मीन एंड्रॉयड ऐप बनाना नहीं आता है, तो मेरा वीडियो आज आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कहा आज आपको सिखाऊंगा कि आप बिना कोई कोडिंग करके कैसे एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। हम लोग जैसे वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसे भी हम लोग बिना कोई कोडिंग करके एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वो भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरा वीडियो आज आप एंड तक देखिए। एंड अगर देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे एक लाइक दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो गाइस, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको आपका ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा web2apk। तो मैंने यहाँ पर गूगल पर सर्च कर दिया web2apk। इसके बाद गए जो सेकेंड रिजल्ट है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। इसके बाद गए कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्रिएट ऐप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एक बार एंड क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ये URL है इसको क्लियर कर दीजिए एंड नया एक टैब ओपन कीजिए एंड नया टैब ओपन करने के बाद आपका जो चैनल है उसको ओपन कीजिए। तो ये मेरा चैनल है, चैनल का जो URL है यहाँ का, तो मैं ये चैनल का URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पर वो पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ पर ऐप टाइटल, मतलब आप जो ऐप बना रहे हो उस ऐप का नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेरा चैनल का नाम दे देता हूँ। बहुत ही आसान है ऐप बनाना चैनल के। तो यहाँ पर मैं चूज फाइल पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप आइकॉन दे सकते हो, मतलब आप जो ऐप बना रहे हो उस ऐप का आइकॉन। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पे जाता हूँ, मेरा जो चैनल का लोगो है वही मैं आइकॉन बनाऊंगा। तो ये रहा, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। इसके बाद गाइस शो एडवांस सेटिंग पर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो स्क्रीन ओरिएंटेशन है, मतलब आप वर्टिकली ओपन करना चाहते हो या पोर्ट्रेट पे ओपन करना चाहते हो, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वर्टिकली सिलेक्ट कर देता हूँ, आप भी यही सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद किस वेलकम स्क्रीन, आप वेलकम स्क्रीन पे क्या लिखना चाहते हो, मतलब जब कोई आपका एप्लीकेशन ओपन करेगा तब कैसा स्क्रीन दिखेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू टेक हैट्रिक। आप आपका चैनल का नाम यहाँ पर दे सकते हो। तो वेलकम टू और एंड्रॉइड ऐप तो सही है, तो मैं आपको चेंज करता हूँ, अभी चेंज कर सकते हो। बाद इस नहीं देता हूं। इसके बाद यहां पर नेटवर्क एरर स्क्रीन, मतलब जब इंटरनेट एक्सेस, मतलब जो आपका ऐप यूज कर रहा है उसका जब नेटवर्क चला जाएगा तो क्या एरर मैसेज आएगा, तो यहाँ पर जो है वो आप रख सकते हो, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ थोड़ा, मेरा हिंदी चैनल है इसीलिए मैं हिंदी में कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एप्लीकेशन एग्जिट, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि
यहाँ पर मैंने हिंदी पे इसीलिए लिखा क्योंकि मेरा हिंदी चैनल है, आप इंग्लिश पे भी लिख सकते हो आपका मर्ज़ी। तो यहाँ पर जो गूगल है इसको आप डिलीट कर दीजिए। एंड यहाँ पर आप यही रखिए यूज़र कैन नेविगेशन एनीवेयर। इसके बाद गाइस क्रिएट माय ऐप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए ऐप अभी बन रहा है, तो देखिए नया एक पेज ओपन हो गया। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर जो है डाउनलोड योर एंड्रॉयड पैकेज फ्रॉम दिस लिंक, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, डाउनलोड भी हो गया। कहाँ गया मेरा ऐप? ये रहा मेरा ऐप। तो मैं अभी इस एप्लीकेशन को फ़ोन पे ले लेता हूँ एंड फ़ोन पे दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो चलिए फ़ोन पर। तो मैंने कंप्यूटर से वो एप्लीकेशन ले लिया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए वो एप्लीकेशन। तो मैं अभी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो गया, इसके बाद मैं ओपन करता हूँ। देखिए मैंने वो इंटरनेट कनेक्शन जाने के टाइम जैसे एरर मैसेज बनाया था ऐसा ही एरर मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरा भी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक करता हूँ। नेटवर्क चला गया इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। आ गया नेटवर्क, ऑन कर देता हूँ। उसके बाद फिर से वो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। देखिए ओपन होने के टाइम ऐसे ही मैसेज दिखा रहा है, वेलकम टू टेकेट्रिक, मैंने जैसे बनाया था वेलकम टू आवर एंड्रॉयड ऐप, थैंक यू फॉर गिव ए स्पेस इन योर फोन, हियर यू कैन अर्न नॉलेज एंड लर्न हैकिंग ट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाया था यहाँ पर बन गया है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए आप ऐसे ही एक एप्लीकेशन बना सकते हो। यहाँ पर आप सब्सक्राइब मतलब जो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा वो ऐसे यहाँ पर गूगल से लॉगिन करके मतलब साइन इन करके आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर पाएगा इस एप्लीकेशन की मदद से। है ना कमाल की एक एप्लीकेशन। तो वैसे आपने तो एप्लीकेशन बना लिया। एंड अगर आप ये एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हो, आई मीन अगर आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो प्ले स्टोर पर। तो आप कैसे डाल सकते हो वो मैं तो दूसरे कोई वीडियो पे आपको दिखाऊंगा। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आप प्ले स्टोर पर कैसे आपका एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश करना कर सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके आप लिख सकते हो। अगर बहुत सारा कमेंट आएगा तो मैं बनाऊंगा दूसरा वीडियो एंड आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे प्ले स्टोर पर आपका ये एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हो। मैं और एक मेथड आपको बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है आपका जो गूगल का जो ड्राइव है वहाँ पर आप रख सकते हो। एंड ड्राइव पे रखने के बाद वो जो लिंक है वो आप कॉपी करके आपका यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप दे सकते हो। एंड आपका जो व्यूअर है उसको आप बोल सकते हो कि डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है वहाँ पर जाके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, क्योंकि वो अगर वो एप्लीकेशन खोलेगा तो उसका हर एक नया नया वीडियो वो वहाँ से देख पाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं मज़ेदार एक तरीका है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन बना सकते हो और बनाने के बाद आप प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर एक लाइक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको अगर कुछ डाउट है तो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए तो इतना ही, एंड टेक केयर, बाय बाय।